अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं पिज़्ज़े की डो बनाने लगी हूँ। पिज़्ज़े की डो में जो जो मैं यूज़ करूँगी मैं वो आपको बताती हूँ। हमारे पास ये मैदा है जिसे हम यूज़ करेंगे। हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमारे पास चीनी है और ये हमारे पास नमक है। नमक आपने जितनी लेनी है आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 2 टीस्पून जो है मैंने नमक लिया, 1.5 टीस्पून मेरे पास चीनी है और ये हमारा खमीरा बोलते हैं जिसे, यहाँ पे इसे बकहेफा कहा जाता है। इसे मैं आधा लूँगी। ये मेरे पास फ्रेश है और ये भी है। मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, ये तो तब यूज़ करूँगी जब मेरे पास नहीं हो फ्रेश वाली। अभी मेरे पास फ्रेश है इसलिए मैं फ्रेश यूज़ करूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास नीम गर्म पानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको बताते चलते हैं। हमारा जो खमीरा कहते हैं फिर कहते हैं, हमने इसे आधा लिया है आता, लेकिन ये नीम गर्म पानी है इसमें मैं पहले इसे घोलूँगी। अच्छा, ये हमने अपना घोल लिया है। अब सबसे पहले हम इसे डाल देंगे, सबसे पहले हम इसे डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी चीनी और नमक जो हमने लिया है वो डाल देंगे। हम अपना थोड़ा सा ऑयल मिला लेंगे। तो जी हमारा 2 स्पून है, पहले हम इसे घोल लेते हैं थोड़ा सा। मिक्स कर लेते हैं पहले हम इसे, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा फिर हम अपना इसमें मैदा डालेंगे। अब मैंने आधा लिया है, आधा मैंने छोड़ दिया, आधा काफ़ी है। अच्छा, हमने इसमें अपना मैदा डाल लिया है। टोटल ये वाले मैंने 4 कप थे हमारे पास, जो 4 कप लिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे अपना। अगर घूमते हुए मुझे लगेगा कि इसमें मुझे पानी थोड़ा और डालना है तो मैं और डाल लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इस आटे को नॉर्मल हाथ से भी घूम सकते हैं। मैं फ़िलहाल मेरे पास मशीन, इसलिए मैं मशीन में घूम रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि मशीन ही हो कि मशीन से ही घूमा जाएगा, ये हाथ से भी आराम से घूमा जाता है। अच्छा, और ये फ्रेश खमीरा लेने का मकसद ये होता है, ये ज़्यादा देर नहीं, हम 1 घंटा भी रखेंगे तो हमारा आटा अच्छी तरह फूल जाएगा, अच्छी तरह हो जाएगा। और जब हम ये खुश्क वाला लेते हैं इसे कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं आटे को होने में, आटे को फूलने में। तो हो सके तो पहले अगर फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश का यूज़ करें, और फ्रेश बहुत जल्दी फूल जाता है। अपने आटे गूंदने का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा देखिए, हमारा ज़बरदस्त आटा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल लगा के इसे ऐसे ही ढाक के रख दूंगी, इसके ऊपर कुछ भी ढाक के इसे रख दूंगी। पहले इसमें ऑयल लगाऊंगी उसके बाद इसे रखूंगी। अच्छा, मैंने इस पर ऑयल लगा के अब मैं इसको आधे घंटे के बाद देखती हूँ, आधे घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। मिलते हैं आधे घंटे के बाद।